उधर हुई ये रिश्ता शो से प्रणाली की एग्जिट, तो इधर आई नए शो पर बिग अपडेट। ये रिश्ता क्या कहलाता है में 22 साल के लीव के साथ प्रणाली राठौर और हर्षा चोपड़ा ने शो से एग्जिट ले ली है। फैंस का भले ही इन दोनों की विदाई से रो रो कर बुरा हाल है, लेकिन इसी बीच अब प्रणाली के नए शो पर ऐसी बड़ी अपडेट सामने आई है जिसे सुनकर फैंस तो झूम उठेंगे। खुशी की बात तो ये है कि खुद प्रणाली ने भी बातों बातों में नए शो की तरफ दे दिया है बहुत बड़ा हिंट भी। दरअसल अंदर खाने से खबरें ये सामने आ रही हैं कि प्रणाली राठौर से सोनी टीवी के एक नए शो में बतौर लीड हीरोइन के तौर पर बातचीत चल रही है। खबरें हैं कि सोनी टीवी जल्द ही दो बड़े और नए शोज को लाने की तैयारी कर रहा है जो कि जनवरी 2024 में लॉन्च किए जाएंगे, और कहा जा रहा है कि इन्हीं शो में से किसी एक के लिए प्रणाली को अप्रोच किया गया है। हालांकि इस पर अभी ऑफिशियली कंफर्मेशन तो नहीं आई, लेकिन आपको बता दें कि हाल ही में अपने एक इंटरव्यू के दौरान प्रणाली ने इस बात को कबूल किया है कि वो जल्द ही टेलीविजन पर लौटने वाली है। दरअसल ये रिश्ता क्या कहलाता है को छोड़ने के साथ ही प्रणाली लगातार इंटरव्यूज दे रही है। एक्ट्रेस इन इंटरव्यूज में अपने फैंस को धन्यवाद देने के साथ साथ कई चीजों पर खुलकर बात कर रही है। वहीं अब प्रणाली ने इंडिया फोरम से बातचीत में नए प्रोजेक्ट पर खुलकर बात की। इस इंटरव्यू में प्रणाली से पूछा गया कि अब वो किस तरह के प्रोजेक्ट पर नजर आने वाली है। इस पर एक्ट्रेस ने बताया कि अगले प्रोजेक्ट का अभी तक कुछ नहीं पता, लेकिन जल्द ही अपने फैंस से मिलूंगी, मैं जल्द ही लौटने वाली हूँ। प्रणाली ने जिस तरह से इंटरव्यू में लौटने की बात कही है और दूसरी तरफ सोनी टीवी के नए शो से उनका नाम जुड़ चला है, उसके बाद कयासबाजी काफी तेज हो गई है कि हो ना हो एक्ट्रेस नए साल के मौके पर अपने फैंस को बहुत बड़ा सरप्राइज जरूर देंगी नए शो के जरिए। हालांकि अब देखना तो ये है कि अगर वाकई प्रणाली टीवी पर लौटने के लिए तैयार है तो इस बार उनका नया प्रोजेक्ट कैसा होगा, उनका किरदार कैसा होगा और आखिर इस बार उनकी जोड़ी किस नए एक्टर के साथ जमती नजर आएगी।